रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक मीडियम में, और वो प्रॉपर्टीज होती हैं स्पीड, वेवलेंथ, एंगल। एंगल को आप डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन। और चौथा होता है पाथ लेंथ। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जब लाइट एक मीडियम में रहती है तो इनकी एक वैल्यू होती है, और जब दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बदलती है। अब इनको कौन बदलता है? एक्चुअल में इनको बदलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यूज किस तरह से चेंज होगी। तो आइए देखते हैं, लाइट है, लाइट का मीडियम सेकेंड मीडियम से इंटरेक्शन होगा। सेकेंड मीडियम, इसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी। पहली होगी मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा। एक्चुअल में इस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी एन हाई होगा, हाई होगा। और अगर इसको हम लिटरली समझें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई या ऑप्टिकली डेंसर होने का क्या मतलब है, तो आप इसको समझ लीजिए कि मटेरियल क्राउडेड है, रास्ता क्राउडेड है। तो अगर क्राउडेड है तो ऑप्टिकली डेंसर है, राइट? तो हम यहां पर लिखेंगे क्राउडेड। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी हो जाएगी ऑप्टिकली, हमारा मीडियम आ जाएगा रेयरर। और ऑप्टिकली रेयरर में एन की जो वैल्यू होगी, एन की वैल्यू लेस होगी, और आप इसको समझ सकते हैं कि ये लेस क्राउडेड होगा। अब क्राउडेड वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आप इससे स्पीड को रिलेट कर पाए। जब कोई भी मीडियम क्राउडेड होता है तो वहां पर आपकी स्पीड धीमी हो जाती है। तो आपका अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में अगर लाइट पहुंचती है तो वहां पर स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। लोअर एरो में यूज कर रहा हूं डिक्रीज के लिए, और अपर एरो में यूज करूंगा इंक्रीज के लिए। सिमिलरली वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। और अगर एंगल की बात करें, जब सेकेंड मीडियम में लाइट पहुंचती है तो लाइट का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो एंगल थीटा कहो या आर कहो, वो भी डिक्रीज होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में। और जब एंगल डिक्रीज होता है तो आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लाइट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, और इसी का मतलब होता है शॉर्टर पाथ। यानी लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होने की वजह से या हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और लाइट का जो पाथ होगा वो मीडियम में शॉर्टर पाथ होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है, मीडियम आपका रेयरर है तो यहां पर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लेस क्राउडेड, और लेस क्राउडेड में स्पीड ज्यादा होती है तो वी इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी थीटा या आर वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जब एंगल इंक्रीज होगा तो लाइट बेंड करेगी, bends away from the normal, और इसी का मतलब होता है greater path length या big path length।
लेंथ। समझ रहे हो ना। तो आपने देखा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की अगर वैल्यू ज्यादा है तो स्पीड कम है, वेवलेंथ कम है, एंगल कम है, पाथ लेंथ कम है। वहीं पर अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ज्यादा है, बड़ा पाथ लेंथ भी बड़ी है। Wait a minute. Who are you? I hope अब आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं कि मीडियम लेस क्राउडेड है या हाईली क्राउडेड है, और उसके हिसाब से लाइट का मीडियम के साथ इंटरेक्शन होता है और ये प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सिर्फ ये बताता है कि ये प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होंगी।